मेरा हमारा विषय बहुत ही रुचिकर है। आज हम चर्चा करेंगे कर्मों की गहन गति की। जीवन में जितना आत्म ज्ञान का महत्व है, परमात्म ज्ञान का महत्व है, उतना ही कर्मों की गति को जानना भी महत्वपूर्ण है। कोई भी क्रिया, अनेक क्रियाएं है ना, खाना, सोना, बोलना, देखना, व्याकरण में इनको अपन क्रियाएं बोलते हैं। तो क्रियाएं अनेक प्रकार की हैं और ये क्रियाएं मानव भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। जैसे देखना एक क्रिया है, तो जानवर भी देखता है, हम भी देखते हैं, बच्चा भी देखता है, बुजुर्ग भी देखता है। देखना एक क्रिया है, लेकिन जब उस क्रिया में हमारी भावनाएं, हमारी वृत्तियां मिक्स हो जाती हैं, तो वो कर्म बन जाता है। क्रिया और कर्म में क्या अंतर हो गया? क्रिया न्यूट्रल है, देखना, लेकिन जब उसमें भाव मिल गए तो वो देखना कैसा देखना था, शुभ था, अशुभ था, प्रेम से देखा, किस भाव से देखा, तो वो अच्छा कर्म या बुरा कर्म बन गया। जैसे हम एक सड़क पे तीन लोगों को चलते हुए देख रहे हैं और सड़क पे थोड़ा आगे जाकर के एक बहुत सुंदर मकान है, तो जो पहला व्यक्ति है उसकी नजर उस मकान पे पड़ती है तो वो देखता है ये पिंक कलर का मकान है। दूसरे ने भी देखा ये पिंक कलर का मकान है, तीसरे ने भी देखा। तो क्रिया तो तीनों की एक जैसी है, देखने की क्रिया। लेकिन अब हुआ क्या कि जो पहला व्यक्ति था उसके मन में विचार आया कि इस आदमी के पूर्वज बड़े अमीर थे और इसको इतना सुंदर मकान बना करके दे गए, ये बड़ा भाग्यशाली है, ये वृत्ति मिक्स हो गई। दूसरे ने जैसे ही देखा उसकी वृत्ति में क्या आया, आज के जमाने में ऐसा मकान सीधे हाथ से बन ही नहीं सकता, जरूर ये आदमी दो नंबर का धंधा करता है। और तीसरे ने देखा उसकी क्या वृत्ति मिक्स हो गई, ये तो सुनसान जगह में मकान है, अगर मैं रात को आ जाऊं अपने दो चार साथियों को लेके तो पीछे से चढ़ सकता हूं और कुछ ना कुछ तो माल मिलेगा ही। अब क्रिया तो एक जैसी, देखना सबको वो गुलाबी ही दिख रहा है, किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को हरा नहीं दिखा, लेकिन मेरी जो वृत्ति उसमें मिक्स हो गई तो पहले व्यक्ति का वो कर्म बन गया तो प्रधान कर्म, दूसरे का बन गया रजोगुणी और तीसरे का बन गया तमोगुणी। तो सोच कर्म का बीज, सोच को सुधारेंगे तो कर्म सुधर जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता कहती है आत्मा अपना मित्र आप है और अपना शत्रु आप है। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। जब मैं अच्छा सोचती हूँ तो मेरी मित्र बन जाती हूँ और जब मैं नेगेटिव सोचती हूँ तो मैं ही मेरी शत्रु बन जाती हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आप कितने भी पाप कर्म कर लो आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता,
लेप छेप शरीर पर लगता है और शरीर को जाके गंगा जी में डुबो दो, नहला दो तो सारे पाप उतर जाएंगे। बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है। लेकिन लेप छेप शरीर को लगता है या आत्मा को लगता है, ये बहुत ही गहन समझ का विषय है। कैसे, जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, मैंने एक पत्थर फेंका और किसी को जा कर के लगा, वो कहता है बहन जी आपने पत्थर मारा। मैं कहती हूँ पत्थर मेरे हाथ ने मारा, मैंने नहीं मारा, आप इसको सजा दे दो। अब कोई हाथ को सजा देगा तो तकलीफ किसको होगी? आत्मा को होगी। अगर आत्मा ने पाप कर्म किया ही नहीं तो उसको तकलीफ क्यों हो रही है? वो तकलीफ केवल हाथ तक सीमित रहनी चाहिए। लेकिन हाथ को सजा मिलेगी तो निर्दोष आत्मा को दर्द क्यों, अगर उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो? तो हाथ को आदेश किसने दिया? एक मृत व्यक्ति का हाथ पत्थर क्यों नहीं फेंकता? जरूर आत्मा ने संकल्प किया पत्थर उठाओ तो इसने फॉलो किया और फेंक दिया। तो इससे पहले दोषी वो है। हमारी न्याय व्यवस्था भी कहती है जो मोटिवेटर होता है क्राइम का वो भी दोषी, किसी को उकसाना किसी को भड़काना वो भी दोषी माना जाता है। अच्छा मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि दोषी शरीर है, तो एक बहुत बड़ा उग्रवादी है जिसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो इसको पकड़ के ले आएगा उसे 50,000 रुपया इनाम मिलेगा, और वो आतंकवादी एक मुठभेड़ में मारा जाता है और एक व्यक्ति उसकी डेड बॉडी को उठा करके गवर्नमेंट के सामने ले जाता है। देखो भाई तुमने कहा था ना कि आतंकवादी को जो पकड़ के लाएगा उसको 50,000 रुपया मिलेगा, तो लाओ मुझे 50,000 दो, देगी गवर्नमेंट 50,000 देगी? अगर शरीर ही क्रिमिनल था तो शरीर को तो हम उठा के ले आए, हमको 50,000 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। शर्त क्या थी? शरीर में आत्मा सहित उसको लेकर के आना है, क्योंकि असली क्रिमिनल कौन है? आत्मा। जब वही चला गया तो इस मृत शरीर का क्या करेंगे, इसको लाने का क्या इनाम मिलेगा? तो वास्तव में पाप आत्मा करती है, इसलिए हम कहते हैं पाप आत्मा। चाहे आप शरीर की आंख से पाप करो, कान से, मुख से, हाथ से, लेकिन कहलाएंगे पाप आत्मा। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसके सामने एक व्यक्ति आ गया गाड़ी के नीचे और उसकी डेथ हो गई। पुलिस आती है, उसको पकड़ती है, वो कहता है देखो मैंने नहीं मारा, इस गाड़ी ने मारा है, मैंने तो टच ही नहीं किया उसको, आप इस गाड़ी को पकड़ के ले जाइए। इज दिस लॉजिक? इसे कोई मानेगा? भाई गाड़ी तो लोहे की है, गाड़ी तो नॉन लिविंग है, गाड़ी तो जड़ है, उसने टक्कर क्यों मारी? क्योंकि आपने उससे टक्कर मरवाई, आपने उसको चलाया, आपने उसको रेस दी, इसलिए गाड़ी दोषी नहीं, दोषी उसको चलाने वाला। तो इस शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा है, तो दोषी कौन माना? आत्मा। इस हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम था ज्ञानेश्वर। तो संत ज्ञानेश्वर बड़े विवेकवान थे। एक बार कुछ पंडे पंडित आए और उन्होंने कहा हम देश की अलग अलग स्थानों पे कुंडों में नहा के आएंगे, तो आप भी हमारे साथ चलो, हमारे पाप उतर जाएंगे।
तो ज्ञानेश्वर ने कहा मुझे तो थोड़ा काम है, मैं नहीं जा सकता, मेरा ये करेला ले जाओ और तुम लोग जहाँ जहाँ नहाओ इस करेले को भी डुबकी मरवा देना। तो उन्होंने वो करेला ले लिया और 8-10 तीर्थों पे गए, वहाँ कुंड बने होते हैं नहाने के, वहाँ नहाए और वापस आके कहते ज्ञानेश्वर महाराज हम तो तीर्थों में नहा आए और हम तो सारे पाप धोवाए। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा मेरे करेले को नहलाया कि नहीं नहलाया? बोला नहलाया। तो दिखाओ जरा करेला। करेला दिया उन्होंने, करेले को तोड़ा, उसका एक टुकड़ा जीवा पे रखा, वो तो कड़वा था। बोला कुंडों में नहा के मेरा करेला नहीं बदला तो मैं कैसे मानूं कि तुम बदल गए हो? एक करेला मीठा नहीं हुआ तो मैं कैसे मानूं कि तुम मीठे हो आए हो? अगर कुंड में परिवर्तन की शक्ति है तो वो करेले को भी तो बदलेगा। लेकिन कुंड में नहा करके हमने पाप नहीं किए तो कुंड में नहा करके हम पाप धो कैसे सकते? गलत काम करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक करने की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही होती है। हम गलत सोच सोच के गलत काम करते हैं तो हमें अच्छा सोच सोच के उन गलत कर्मों से निवृत्त होना पड़ेगा। इसलिए शुद्धिकरण आत्मा का चाहिए, कर्म आत्मा करती है। और चूंकि आत्मा अविनाशी है, शरीर किसी का 2 साल का गया, किसी का 10 का गया, किसी का 15 का गया, शरीर तो जाता ही, लेकिन चूंकि दोषी आत्मा है तो उस कर्म का फल अगर अभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो उसके साथ भी जाएगा। जैसे हम किसी से उधार ले लेते हैं इंदौर में रहते हुए और फिर बॉम्बे चले जाते हैं, तो क्या उधार इंदौर में ही रहेगी? बॉम्बे जाने के बाद खत्म हो जाएगी? उधार तो उधार ही, जहाँ आप जाएंगे आपके साथ जाएगी। तो आत्मा जहाँ जाएगी उसका कर्म उसके साथ जाएगा। जैसे बछड़ा गाय के पीछे जाता है, कर्म आत्मा का पीछा करता है। स्थान बदल ले, रूप बदल ले, रंग बदल ले, जाति कुल धर्म बदल ले, कुछ भी बदल ले, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता। हजारों गायों के बीच में जैसे बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है। हमने पीले कपड़े पहन करके दुकानदार से उधार सब्जी खरीदी और अगले दिन हम काले कपड़े पहन के गए, दुकानदार ने कहा कल वाले पैसे दो, हमने कहा वो पीले वाला देगा, हम तो काले वाले, चलेगा? कपड़े का क्या है, कपड़ा तो बदलता रहता है, लेकिन खरीदार तो आप थे। इसी तरह से शरीर भी कपड़ा है, बदलता रहता है, लेकिन कर्म का कर्ता कौन था? आत्मा थी। और यही कारण है आप देखेंगे एक बच्चा जन्म से अंधा है। अच्छा, उसने क्या पाप किया बताइए? कोई पाप किया? अभी आया है, अभी आया है, लेकिन आंखें नहीं खुल रही। क्या पाप किया? डॉक्टर कहते हैं इसकी आंखों की कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, क्या पाप किया बताइए? बिना पाप की सजा? मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है और उसको नहीं दिख रहा। बिना पाप की सजा, इसका मतलब भगवान को आपसे और हमसे बहुत प्यार था और उससे नहीं था, इसलिए उसको आंखें नहीं दी, ऐसा? या भगवान भी पार्शलिटी करता है? तो ये अंतर क्यों? हमारे पास आंखें और उस नन्हे से बच्चे के पास, बच्चा भगवान का रूप है, उसके पास आंखें क्यों नहीं? अवश्य ही आत्मा जो शरीर के भीतर है, पिछले जन्म में कईयों की आंखें छीन करके आई। छीना झपटी की है, मारपीट की है, हिंसा की है, कईयों की आंखें छीनी हैं, फिर उसने शरीर छोड़ा है और फिर उसको जो नया शरीर मिला उसमें उसको आंखें नहीं मिली, ताकि उसे पता पड़े कि
बिना आँखों का जीवन कैसा होता है। और जब हमें बॉडी में कोई अंग नहीं मिलता है तब हम नम्र बन जाते हैं, तब हम उस दर्द को महसूस करते हैं और तब हम उन पापों से विरत भी हो जाते हैं जो हमने छीना झपटी पिछले जन्म में की होगी। अब आँख ना होने पे हम कर ही नहीं पाए। और ये किसने किया? लोग कहते भगवान कर्मों की सजा देता है, भगवान नहीं देता, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसलिए कहते हैं भगवान माफ कर देगा, कर्म माफ नहीं करेगा। बहुत सोच समझ करके कर्म कीजिए। तो ऐसा कैसे होता है? जब कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसकी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। आत्मा में डर, भय, छिप करके रहना, समाज का सामना ना करना, अच्छी बातों में शामिल ना होना, जितने भी क्रिमिनल है कहाँ समाज के बीच में, हमारे बीच में थोड़े होते हैं, कहीं ना कहीं छिपके रहते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके रखते हैं। तो आत्मा का बल कम हो जाता है। तो आत्मा बीज है ना, उसका बल कम हो गया, शरीर छोड़ा, और ये बीज एक दूसरी मिट्टी में अर्थात माँ के गर्भ में बोया गया। अब वहां से उसे ताकत खींचनी है। माँ का गर्भ एक धरती की तरह से है जहाँ वो बीज बोया गया। अब बीज अगर ताकतवर होगा तो खींचेगा और शक्तिशाली शरीर का निर्माण करेगा, जैसे शक्तिशाली बीज शक्तिशाली पौधे का निर्माण करता है। लेकिन बीज इतना कमजोर है, क्राइम कर करके इतना वीक हो गया कि माँ के गर्भ में सारे तत्व हैं वो खींच नहीं पाए। इसलिए या तो आँख नहीं बन पाई, या कान नहीं बने, या जीवा नहीं बनी, या लेग्स नहीं बनी, कुछ भी बन नहीं पाए। जैसे पीले पीले पौधे कमजोर बीज के होते, ये भी कमजोर बीज का डिफेक्टेड पौधा होगा। उसी माँ से दो बच्चे और जन्मे, बड़े स्वस्थ, बड़े सुंदर, और ये एक डिफेक्टेड बॉडी वाला। तो माँ का भी दोष नहीं कह सकते, माँ अगर दोषी थी तो सारे बच्चे ऐसे जन्म लेते। इसलिए आत्मा जन्म बाई जन्म उन कर्मों को साथ लेकर के जाती। किसी ने कहा है, कर्म छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटो भाग, और दाबी दूजी ना रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई में लपेट दो, छिप जाएगी, कर्म प्रकट होगा। हाँ, आप छिपा करके बीज बो सकते हैं। जिस घड़ी मैंने बीज बोया आपको नहीं दिखाया, आपको पता नहीं मैंने बबूल बोई है कि मैंगो बोया है, मुट्ठी में छोटा सा बीज था और जमीन में डाल दिया। मैं आपको दिखाना ही नहीं चाहती, किसी को नहीं दिखाना चाहती, लेकिन जैसे ही अंकुर फूटा, आप में से जो समझदार थे उन्होंने पहचान लिया ये बबूल का बीज। मैंने कहा बबूल नहीं है, आपको दिखता नहीं, बबूल नहीं है, ये मैंगो है। ठीक है भाई, अभी छोटा है, फिर वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको लंबे लंबे कांटे लगाए। अब मैं कैसे छिपाऊं, इतना बड़ा, मेरे से भी बड़ा हो गया, अब तो दिख रहा बहन जी ने बबूल बोया था। मैं बोते समय छिपा सकती हूँ, उगने के बाद संसार को दिखेगा। और अगर ये उगा है तो जरूर बोया गया था, बिना बोए तो कोई चीज नहीं उगती। मेरे खेत में आलू पैदा हो रहे हैं, मैं कहती हूँ जी मैंने बोए ही नहीं थे। अरे बिना बोए कभी खेत में आलू पैदा होते? बिना बीज के आलू कोई चमत्कार है क्या खेत में? आलू का बीज बोया था तभी होगा। मैं कहती हूँ मैंने बोया ही नहीं। अच्छा, आपने जानबूझ के नहीं बोया, आपने सब्जी बनाई उसकी आँख कूड़े में डाली, वो कूड़ा खेत में गया। बीज को ये मालूम नहीं है कि मैं अनजाने में बोया गया हूँ कि जानबूझ के बोया गया, उसको तो उगने से मतलब। कर्म जानबूझ के करो या अनजाने, उसको तो फल देना ही है। इसलिए
अनजाने में भी गलत कर्म ना हो, ऐसा हमें सिखाया जाता है। आप सबने रामायण की कहानी सुनी है। रामायण में राजा दशरथ को शिकार खेलते दिखाया गया है। शिकार खेलना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? बुरा कर्म है, क्योंकि जब व्यक्ति शिकार खेलता है तो एक को नहीं, दो को नहीं, अनगिनत जानवरों को मारता है और वो तड़पते हैं और वो अपने कंधों के बल को दिखाता है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, मैंने कितनों को मारा। मारना ताकत नहीं है, ताकत तो जिलाना है। मारने का काम तो जल्लाद भी करता है, कसाई भी करता है, मारना ताकत थोड़ी, ताकत तो जीवदान देना है। लेकिन राजा दशरथ ने अनेकों जीवों को मारा और फिर व्यक्ति मारते मारते कई बार मारने में इतना पारंगत हो जाता है कि आदमी की भी बारी आ जाती है। ये मारने मरने की भावनाएं परिवारों तक भी आ जाती है। शुरू में ये मारने मरने की भावना कहाँ चालू हुई कि मैं आधुनिक युग पे आ रही हूँ? भाई युद्ध में आपको मारना और मरना है, बस इसके अलावा कहीं। लेकिन वो सीमा पर जो हिंसा होती थी वो धीरे धीरे घरों में भी प्रवेश कर गए। अब देखो घर का व्यक्ति भी ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, घर में ही बॉर्डर बन गए। पहले शराब बॉर्डर वालों को पिलाई जाती थी, भाई शराब पी करके नशा चढ़ेगा, शत्रु को मारेंगे। अब वहां से चलती चलती हमारे घरों में घुस गई, हम घरों में शराब पी के घर वालों को ही। तो वो हिंसा जानवरों को मारते मारते आदमियों तक आ गई। अनजाने में स्वर्ण कुमार को तीर लग गए, आदत बुरी बला, मारने की आदत पड़ गई तो कभी ना कभी आदमी की भी बारी आई जाएगी। गलत आदत अपनाई ही क्यों? और स्वर्ण कुमार को जब तीर लगा और वो तड़फा और वो मर गया, तो हम जानते हैं कि कभी भी एक आदमी नहीं मरता, क्योंकि एक आदमी की सराउंडिंग में कम से कम 10-20 तो होते ही हैं, अति नजदीक, और फिर थोड़े दूर वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति जाता है, उसकी माँ बहन बेटी पत्नी कितने ही होते, तो एक स्वर्ण कुमार अकेला तो नहीं मरा, उसके साथ उसके आश्रित, उसके माता और पिता, वो भी तड़प तड़प के मर गए। एक साथ तीन हत्याएं हुई और राजा दशरथ अपने महल में आ गए। अब देखिए कर्म की गहन गति, जैसे ही वो महल में आया कुछ समय के बाद उसके चार पुत्र जन्म ले लेते हैं। अब अगर कोई मोटी नजर से देखे तो उसको क्या लगता है कि इसने हत्या की और भगवान इस पर इतना प्रसन्न हुआ, इसको चार बेटे दे दिए, हम तो घी के दिए जला जला के मर गए। दान पुण्य कर करके भक्ति कर करके भगवान एक बेटा दे दे, बेटियां ही बेटियां पैदा हो गई। और राजा दशरथ तीन को मार के आया, चार बेटे पैदा हो गए। ये तो सरल रास्ता है, मैं भी एकाध को मार दूं, मेरे घर भी बेटे पैदा हो जाएंगे। इसलिए इस समाज में ये भी एक भ्रांति प्रचलित है कि बकरे की गर्दन कटवा दो, भैंसे की गर्दन कटवा दो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो देवी पे, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। राजा को भी ऋषि लोग कहते हैं प्रजा में से किसी की बलि चढ़ा दो, तुमको उत्तराधिकारी मिल जाएगा। कैसा विचार है ये? मोटी नजर का विचार है ये, कर्म की गहन गति को समझे बिना उठा हुआ विचार है। तो राजा दशरथ के उस पाप कर्म का क्या हुआ? पुत्र जन्म गए, गुरुकुल में शिक्षा हो गई, चार राजकुमारियों से शादी हो गई, अयोध्या में तो आनंद ही आनंद, राजा दशरथ के जीवन में दुख का नामो निशान नहीं, तो पाप कहाँ गया? क्या पाप का
फल केवल गरीबों को ही मिलता है, राजाओं को नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। वो जो पाप का बीज बोया था, अभी अंकुरित हुआ, उसके बाद उसके दो पत्ते निकले, उसके बाद वो छोटा सा पौधा बना, अब वो थोड़ा बड़ा होके उसको फूल लगेगा और फूल के बाद फल लगेगा और उस फल को राजा दशरथ को खाना पड़ेगा, चाहे या अनचाहे। तो उस बीज को बड़ा होने में लगभग 30-35 साल लग गए, जब तक श्री राम गद्दी पर बैठने लायक बने। और फल उस दिन पका जिस दिन उनका राजतिलक होना था। राजतिलक की चर्चा हुई, केकई ने वरदान मांगा, राम का वनवास, भरत के लिए राजगद्दी, और वो बोया हुआ बीज सीधा दशरथ की झोली में आ गया। उसी को खाना है। घर में कितने और लोग थे? 3 रानियां, उनके 4 पुत्र, मंत्री, संतरी, राजा का तो बड़ा कुनबा होता है। किसी की झोली में नहीं गिरा। किसकी झोली में गिरा? कर्म को पता है मुझे किस जगह प्रकट होना है, कहाँ प्रकट होना है। आप मास्क पहन लो, आप वेश बदल लो, वो फिर भी अपने कर्ता के पास जाएगा। झोली में गिरा। और जैसे ही राम के वनवास की बात सुनी, राजा दशरथ कैसे तड़फे, जैसे स्वर्ण कुमार तड़फा था। तड़फ बोई, तड़फ उगी, जो बोया वही उगाया। शांति बोई होती तो शांति उगती, प्रेम बोया होता तो प्रेम उगता, त्याग बोया होता तो त्याग उगता। बोई ही तड़फ थी तो तड़फ उगी, तड़फा। और उसके बाद स्वर्ण कुमार के साथ 2 निर्दोष लोग भी मरे थे। तो यहाँ वनवास तो केवल राम को था, लेकिन साथ में 2 निर्दोष लोग भी राजा दशरथ की आंखों से ओझल। हिसाब 3 और 3 का बराबर हो। भगवान राम, हम कहते हैं भगवान राम, ठीक है, अगर वो भगवान थे, आज सुबह के लेसन में हमने जाना था, कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। अगर वो भगवान थे तो अपने पिता को मरने से बचा क्यों नहीं सके? रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जस करई सो तस फल चाखा। राजा हो या रंग हो, देवता हो या दानव हो, ऋषि हो या संत हो, कर्म का फल सबके सामने है। कई भाई बहन सवाल उठाते हैं कि बहन जी, इस दुनिया में न्याय नहीं, जो पापी लोग हैं वो फलते फूलते हैं। एक आदमी इतनी मिलावट करता है, इतनी चोरी करता है, इतनी झूठ बोलता है, उसका खान पान इतना गंदा है, पर इतना धन है उसके पास और बढ़ता ही जा रहा है। और हमें देखिए, ईमानदारी का कमाते हैं, पेट भी नहीं भर पाते। ऐसा क्यों है? भगवान ईमानदारों को दुख क्यों देता है? भक्तों को दुख क्यों देता है? अच्छे आदमी को इस दुनिया में तकलीफ क्यों होती? बुरे फलते फूलते, ये आम लोगों का सवाल है। यहाँ भी हमें एक बात समझनी होगी कि ये जो मानव जीवन है, ये एक धारावाहिक की तरह से है। और जो धारावाहिक की कहानी होती है, वो एक एपिसोड देखने से समझ में नहीं आती, प्रश्न बने ही रहते हैं, बने ही रहते हैं। हमने बाल्यकाल में कहानी सुनी थी कि 2 व्यक्ति हैं एक जगह, एक शहर में, एक पाप आत्मा है और एक पुण्य आत्मा है। जो पाप आत्मा है वो लोगों को ब्याज उधार देता है, और अगर वो लौटा नहीं सकते हैं तो उनके मकान कुर्क कर लेता है, जमीनें कुर्क कर लेता है, और
इस तरह से उसने कुर्की कर करके अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जमा कर ली और वो इंतजार करता है कि मेरे चंगुल में फंसे, धन की जरूरत पड़े और लोग मेरे पास आए। उसी शहर में जो पुण्य आत्मा है वो भी धनवान है, वो भी लोगों को उधार देता है, मजबूरी वालों का माफ भी कर देता है, ब्याज भी कम कर देता है और समय को डिले भी कर देता है अगर वो ना दे सके। तो ये पाप आत्मा इससे बड़ी ईर्ष्या करता है, ये मर जाए तो ये सारे लोग मेरे से धन लेने आएंगे और इन सारों की कुर्की मैं करूँगा। अब तो कई लोग उधर चले जाते हैं और वो मौके की तलाश में। एक बार क्या होता है कि इस पुण्य आत्मा को धन की सख्त जरूरत पड़ती है अपने एक मित्र के लिए। तो मित्र कहता है मुझे धन चाहिए, तो ये कहता है कोई बात नहीं, मैं उससे उधार ले लेता हूँ। उसके पास जाता है, वो बड़ा खुश होता है, आज तो फंसा, तो कितना चाहिए? बोलता है 5 करोड़। अच्छा, क्या ब्याज लेगा? कहता है मुझे ब्याज ब्याज नहीं चाहिए, 1 महीने में मेरा धन वापस लौटा देना। अच्छा, अगर नहीं लौटा पाया तो बस मैं तुम्हारे शरीर से 1 किलो मांस काटूंगा। इसको विश्वास है कि मेरे जहाज आने वाले हैं, 15 दिन में माल बिकेगा और मैं 5 करोड़ लौटा दूंगा। तो वो उस बॉन्ड के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है कि ठीक है तुम ऐसा ही कर लेना। लेकिन विधि का विधान, जैसा कि हम कहते हैं, भगवान अच्छे लोगों को मदद क्यों नहीं करता? इसके जहाज डूब गए और महीना हो गया, जहाजों का कोई अता पता नहीं, इसके हाथ में कोई पैसा नहीं। और जैसे ही महीना पूरा हुआ, अनेक लोगों ने इसको धन देने की कोशिश की, लेकिन इतना अमीर कोई भी नहीं था जो 5 करोड़ की पूर्ति करे, क्योंकि सब गरीब थे, अमीर तो ये दो ही थे। तो सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका जीवन बच जाए, जीवन बच जाए। ये खुश हो रहा है, बहुत बढ़िया मौका है। तो कोर्ट में दोनों पहुंचते हैं, महीने के लास्ट में ये हाथ में चाकू लिए गया और न्यायाधीश को कहता, ये देखिए बॉन्ड, और मुझे इस पुण्य आत्मा का 1 किलो मांस काटना। सारा शहर इकट्ठा हो जाता है, लोग इसके चरणों में गिर रहे हैं, माफ कर दो, आप हमसे ले लो, आप हमारा मांस ले लो, इसको माफ कर दो। लेकिन ये तुला हुआ है कि मुझे मांस काटना ही है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और यहाँ पे ये एपिसोड रुक जाता है और हम मर जाते हैं। तो हमारे मन में क्या भाव आएगा, हम किस भाव को लेकर के गए? भगवान ने ना इसके साथ न्याय नहीं किया, इसके जहाज डूबो दिए। अरे, ये अच्छा आदमी था तो कम से कम इसके जहाज को ना डूबने देता। और ये देखो पापी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, बुखार भी नहीं चढ़ा, और चाकू लेके देखो कैसे खड़ा हुआ है जेल में, कोई इसको रोक नहीं सकता। सचमुच भगवान है ही नहीं, होता तो कम से कम इसकी मदद ना करता, और होता तो कम से कम इसको रोकता, कम से कम इसको कुछ ऐसा कर देता कि ये लंगड़ा लुंगड़ा हो जाता, कोर्ट तक ही ना जा पाता, और इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। हम इस भाव को लेके चले गए, लेकिन ये कहानी तो अभी आगे और चलने वाली है, वो हमने देखी, क्योंकि हम कितना एपिसोड देख पाते हैं बताइए जरा, कितना देख पाते हैं? हमारी आयु 60, 70, 80 है, उतने दिन में हमने क्या क्या देखा, जिंदगी तो उससे पहले भी थी और आगे भी। इसलिए ये कहानी आगे और है, वो जैसे ही चाकू लेकर के इस आदमी की तरफ बढ़ता है तो एक नया न्यायाधीश कोर्ट में प्रवेश करता और कहता है, ठहरो, इस बॉन्ड में लिखा है कि तुमको केवल 1 किलो मांस काटना है, अगर खून की एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारा मांस काटा जाए। हुआ कि नहीं न्याय? लेकिन इस न्याय को देखने के लिए हम तो सामने थे ही नहीं, हम तो जा चुके थे। इसलिए इस ड्रामा में, सृष्टि चक्र में न्याय है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। कहते हैं न्याय की चक्की धीरे धीरे चलती है पर पीसती बड़ा महीन, और कहते हैं भगवान के घर में देर है पर
अंधेर नहीं है, सच पूछो तो देर भी नहीं। कई लोग कहते हैं देखो इसने मुझे गाली दी ना, भगवान इसका मुंह अभी अभी टेढ़ा कर दे, मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन भगवान या जो सूक्ष्म मशीनरी है वो हमारी तरह उतावली नहीं, वो मौका देती है। इसने अगर आज गलत बोला, कल इसको समझ आ जाए और ये 100 लोगों को मीठा बोल के उनकी दुआ ले ले, क्या पता। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी देता है, सुधरो सुधरो, एक मौका और, एक मौका और। उसने हमें भी तो कई मौके दिए, तो इसको भी देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुरंत हो। उतावलेपन में न्याय नहीं होता, न्याय तो धैर्य से होता। इसलिए अच्छे आदमी को उसकी अच्छाई का फल मिलेगा ही मिलेगा, और बुरे को उसकी बुराई का फल मिलेगा ही मिलेगा। अब फिर भी मन में एक सवाल रह गया कि बुरा आदमी अमीर क्यों है, उसके पास इतना धन कहाँ से आए, और ये जो ईमानदार आदमी है ये गरीब क्यों है, खाने को रोटी भी नहीं। ये भी पूर्व जन्म के हिसाब है। मान लीजिए आज मैं एक राजा का बेटा हूँ, बहुत दान पुण्य करता हूँ, तो जो मैंने दान पुण्य किया वो तो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे कुसंग लग जाता है और मेरे संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो अगले जन्म में मेरे बिगड़े हुए संस्कार भी मेरे साथ जाएंगे, पर मैंने जो दान पुण्य किया वो भी तो मुझे वापस मिलेगा। तो मैं बिगड़े हुए संस्कारों वाला धनवान बनूंगा, क्योंकि ये मेरे पिछले बोए बीज। और मान लीजिए मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने इस जन्म में कुछ नहीं बोया, लेकिन अगले जन्म में मैं अच्छे संस्कारों के साथ तो जन्मा, पर मैंने बोया तो कुछ भी नहीं था, बिना बोए उगे कैसे, मुझे कुछ नहीं मिला। एक राजा ने अपने मंत्री को कहा कि कल तुम 4 लोगों को दरबार में हाजिर करना। तो मंत्री ने पूछा कौन से 4 लोग, तो बोला एक अब का, एक तब का, एक ना अब का ना तब का, और एक अब का भी और तब का भी। तो मंत्री राज्य में घूमा और सुबह 4 लोगों को ले आया। सबसे पहले का महाराज ये देखो, ये ना अब का है ना तब का, ये घसियारा है, घास काटता है, घास को बेचता है, थोड़े जो पैसे मिलते हैं उसमें आधे में तो ताड़ी पी जाता है। अभी भी ये ताड़ी पीने जा रहा था, मैं इसको पकड़ के ले आया, और जो थोड़े से बचते हैं उसमें जैसे तैसे पेट भर लेता है। ना ये अब का है और ना ये तब का है, ना इसके पास आज कुछ है, ना कल इसके पास कुछ था, ना आगे इसके पास कुछ होगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा, मिलेगा क्या। और फिर एक छोटे से परचून के दुकानदार को खड़ा किया, बोला महाराज ये अब का, इसके पूर्वज बड़े गरीब थे, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के गए, टूटा सा घर और एक छोटी सी दुकान, इसने अपनी मेहनत से घर बनाया, दुकान बनाई, और इस छोटी सी दुकान से अब ये हर महीने एक विधवाओं के लिए सिलाई सेंटर चलाता है, एक बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन क्लास चलाता है, और इसने एक छोटा सा बगीचा खरीदा है जहाँ पे महात्मा लोग बैठ करके सत्संग करते हैं और गांव के लोग सत्संग सुनने जाते हैं, एक बगीची बनाई। तो महाराज ये अब का, अब कर रहा है। और फिर एक तीसरे ठाकुर को खड़ा किया, भारत में ठाकुर होते थे पहले, का महाराज ये तब का है, इसके पूर्वज बड़े अमीर थे, बहुत बड़ी हवेली थी, बड़ा नाम था, बहुत नौकर चाकर थे, लेकिन महाराज
अब तो हवेली खंडर हो गई, नौकर चाकर सारे भाग गए और ये उस हवेली में अकेला पड़ा रहता है, खाता है पीता है सोता है, ना कोई समाज से इसका लेना देना लोगों से। हाँ, पुरानी साख चली आ रही है, कोई ठाकुर का बेटा है, ठाकुर जी लोग इसको कहते हैं, बाकी समाज से इसका कोई सरोकार नहीं, इसके पास भी कोई खास पूंजी नहीं, हैंड टू माउथ है ये तबका, अब इसके पास कुछ भी नहीं। और फिर एक चौथे सेठ को खड़ा किया, कहा महाराज ये अब का भी है और तब का भी है, इसके पूर्वज बड़े अमीर थे, बड़ी साख थी, बड़ा कमाया था, इस शहर में कई धर्मशालाएं कई तालाब इसके पूर्वजों के हैं, लेकिन ये खुद अब भी उन्हीं पूर्वजों की लाइन पे चल रहा है, इसने खुद भी बहुत पेड़ लगवाए हैं छायादार सड़कों के दोनों ओर, और बहुत बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है, जगह जगह भंडारे लगवाता है, प्याऊ लगवा रखी हैं, तो ये तब का भी है और अब का भी। अब आप बताइए हम कौन से वाली कैटेगरी वाली, सबसे अच्छा कौन चारों में से, क्योंकि हमारे हाथ में तो अब का बनना है, तब का हमारे हाथ में नहीं, हमारे पूर्वज क्या थे हम क्या जाने, पर मैं अब का बन सकता हूँ क्योंकि आज जो मैं करूँगा वो मुझे कल जरूर मिलेगा, इसलिए हर व्यक्ति का एक पास्ट भी है और एक फ्यूचर भी है, एवरी सिन्नर हैज ए फ्यूचर, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, आज का जो संत है वो कल का सिन्नर हो सकता है और आज का जो सिन्नर है वो भविष्य का संत हो सकता है, इसलिए परिवर्तन में व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए। कर्म कितनी प्रकार के हैं, एक है पाप कर्म, एक है पुण्य कर्म, एक है सत्कर्म और एक है अकर्म। तो जो पाप कर्म है उसके चार पहलू हैं, जो कर्म देह अभिमान में किया जाता है वो पाप कर्म है, अपने को देह समझ कर देह की स्मृति में बॉडी कॉन्शियसनेस में वो पाप कर्म, भगवान को भूल करके जो कर्म किया जाता है वो भी पाप कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या किसी भी विकार के वशीभूत होकर जो कर्म किया जाता है वो भी पाप कर्म है, और चौथा मैं मेरा तू तेरा स्वार्थ के वशीभूत होकर जो कर्म किया जाता है वो भी पाप कर्म है। तो आज के इस संसार में जो लोग कर्म कर रहे हैं वो कैसे हैं, इन चारों प्रकार के कर्म हैं, इसलिए ये दुनिया कलयुग बन गई, ये पापालय बन गया, इस दुनिया में कितना पाप फैल गया, घर घर में अशांति, गली गली में अशांति, काम का विस्फोटक रूप आज हम देख रहे हैं चारों तरफ, लस्ट ज्वालामुखी की तरह उसका विस्फोट हो गया, हर रोज आप अखबारों में समाचार सुनते हैं। जब हम काम विकार नरक का द्वार ऐसे बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वालों को पता नहीं क्या पड़ी, अरे ये काम विकार तो जरूरी है, नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, है ना, राइट बात है ना, पर आप ये बताइए जिसके बच्चे पैदा हो गए, जिसके बच्चे पैदा हो गए वो काम से छूट गया फिर ये सवाल क्यों कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, 80 साल वाले को बच्चे पैदा करने हैं,
गया, 70 साल वाला, 60 साल वाला, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों के बच्चे हो गए, बहुएं बच्चे जन्म दे रही हैं, और यही विस्फोट है जिस चीज की जरूरत नहीं और तब हम उस चीज में इंडल्ज करते हैं, यही विस्फोट है। और इस विस्फोट का परिणाम ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे ये चीजें सीख रहे हैं। बच्चों को ट्रेनिंग कौन देता है? बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर बच्चों का घर है, और घर में वो जो खुलापन देखते हैं उसको सीखते हैं और उसको फिर करके देखते हैं। कड़वा सच्चाई, बहुत बड़ी ब्रह्मा कुमारियां तो लोगों को कड़वी लगती हैं क्योंकि कड़वी सच्चाई सुनाती है, और इसलिए लोगों में एक रोंग अजम्पशन है कि ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बना देते हैं। अरे वहां मत जाना, वो ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बना देंगे। लोग डरते हैं, हमारी तो आंखों से भी डरते हैं। आप बड़े ताकतवर हो जो सुन रहे हो, डर नहीं रहे। आप अपने परिवार वालों में किसी को कहोगे कि ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ चलो, नाना वहाँ नहीं जाऊँगा, पत्नी बेचारी पीछे लगी रहती है, पति नहीं आता, पति पीछे लगा रहता है, पत्नी नहीं आती, माँ बाप के पीछे लगे रहते हैं, भाई बहनों के पीछे लगे रहते हैं, सिनेमा का निमंत्रण दे दो लंगड़ा भी उठ के दौड़ पड़ेगा, और यहाँ साबुत टांगों वाला भी नहीं आता, डरते हैं। अच्छा ठीक है, ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बना देते हैं, आपकी बात बिल्कुल मान ली हम। लेकिन आपके यहाँ एक ऐसा भी है जो भाई बहन को पति पत्नी बना देता है, है कोई ऐसा? देखा आपने? देखा? और वो आपके सिराने रखा रहता है और बड़े मनोयोग से उसे आप घर में लेके आते हैं, बड़े प्यार से, बड़ा 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 चाहिए, छोटे में मजा नहीं आता। उसके आगे सगे भाई बहनों को 15 दिन इकट्ठे बिठा दो और घर छोड़ के आप चले जाओ। 15 दिन के बाद क्या होगा? 15 दिन के बाद क्या होगा? उसमें इतनी ताकत है, कौन है वो? हर घर में है, झुग्गी में, झोपड़ी में, है ना? समझ गए ना? आपने उसका कभी बहिष्कार किया कि ये बच्चों को गलत बातें सिखा रहा है, इतनी ओपननेस है इसमें, छोटे छोटे बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं? उसको तो लाइसेंस है घर में आने का, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वाले जो भाई बहन बनाते हैं वो तो बड़ा उल्टा काम करते हैं। जबकि हमारे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं, कोई तकनीक नहीं कि हम किसी को भाई बहन बना दें। एक संयम की बात है, एक मर्यादा की बात है। संयम और मर्यादा मानव जीवन का श्रृंगार है। हर चीज में संयम होता है। भोजन में मिर्च डालते हैं, चुटकी भर अलाउ है, आपने पूरा पैकेट भोजन में झोंक दिया, ठीक है। आपको संतान उत्पत्ति के लिए काम चाहिए था, वो तो पशु भी करता है। गाय एक बार जाती है बैल के पास, और मनुष्य किसमें अधिक संयम है? पशु में अधिक संयम है, और इसलिए कौन ज्यादा बीमार होता है, पशु या आदमी? हॉस्पिटल किससे भरे पड़े हुए हैं? ये किसकी देन है? ये उसी असंयम की देन है। जेलें किससे भरी पड़ी हैं? गाय जेल में नहीं गई, भैंस जेल में नहीं गई, कुत्ते और बिल्ली जेल में नहीं गए। जेलें किससे भरी पड़ी? और उन अपराधों में यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, असंयम जहां भी होगा समाज का नुकसान करेगा, घर का नुकसान करेगा। इसलिए
हर चीज में संयम चाहिए। नदी भी दो किनारों के बीच में बहती है, जिस दिन वो किनारे तोड़ के बहेगी उसकी कोई पूजा नहीं करेगा, वो बाढ़ कहलाएगी, भले वो गंगा नदी ही हो, कहेंगे गंगा मैया जा यहाँ से। और मानव भी जब किनारे तोड़ के बहता है तो वो भी बाढ़ बन जाती है। तो आज इस दुनिया में काम की बाढ़ है, क्रोध की बाढ़ है, लोभ की बाढ़ है, अहंकार की बाढ़ है, और उसने इस संसार को डुबो रखा है। इसकी शांति नष्ट, प्रेम नष्ट, पवित्रता नष्ट, सुरक्षा नष्ट। महिलाएं घरों से बाहर निकलने में भय खाती। एक जमाना था विदेशी लोग आक्रमण करते थे और भारत की नारियां भयभीत होती थी, घूंघट निकालती थी किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए। आज तो एक भी विदेशी नहीं, विदेशियों के आक्रमण खत्म हो गए। उसके बाद हम जंगली जानवरों से डरा करते थे क्योंकि जहां तहां वन थे और वन क्षेत्र में जंगली जानवर होते थे, शेर वार ना कर दे, भालू वार ना कर दे, और इसलिए हम बच के निकला करते थे। अब तो जंगल भी कट गए और जंगली जानवर भी खत्म हो गए। लेकिन उन दोनों समय की भेंट में आज का समय अधिक असुरक्षित है। इस असुरक्षा का कारण क्या है? कौन किससे डरता है? आदमी आदमी से डरता है। पहले आदमी कहता था, वो आदमी खड़ा है, चलो उसके नजदीक चले जाते हैं, सुरक्षा हो जाएगी। और अब आदमी कहता है, वहां आदमी खड़ा है, भागो भागो। इसका मतलब सबसे डरावना आदमी। आदमी को क्या निकल आए? सिंग निकल आए, दांत निकल आए कि नाखून निकल आए? वो क्यों डरावना बन गया? आदमी को काम के सिंग निकल आए, क्रोध के सिंग निकल आए, हिंसा के सिंग निकल आए, इसलिए आदमी से भयभीत है। तो ये है दुख का मूल कारण। काम विकार ने घर घर को नरक बना रखा है, क्रोध ने घर घर को नरक बना रखा है। जैसे दुश्मन पे क्रोध किया जाता है, ऐसे हम अपने घर के नजदीकी लोगों पे क्रोध करते हैं। जैसे दुश्मन को मारा जाता है, ऐसे हम नजदीक के लोगों को वाणी से भी मारते हैं, हाथों से भी मारते हैं, इशारों से भी मारते हैं। तो इसका मतलब घर के लोग आपस में कौन हुए? आज रिश्ते क्या बन गए? शत्रुता में बदल गए इन विकारों के कारण। और इनके शमन का केवल एक ही तरीका है, मन का परिवर्तन, मेडिटेशन। जब इस मन को हम परमात्मा में लगाते हैं तो उसकी शांति शक्ति हमारे भीतर आती है और काम का नाश होता है, क्रोध का नाश होता है, लोभ का नाश होता है। एक ही तरीका है, एक ही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान शांति का एकमात्र मार्ग। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक पढ़े लिखे लोग ये कह के नकारते हैं, बहन जी ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, ये तो रूढ़िवादी लोगों की बातें हैं, हम तो आधुनिक हैं। आधुनिक आदमी आत्मा परमात्मा की बात नहीं करता, वो तो चंद्रमा और रॉकेट इनकी बातें करता है, ये है आधुनिकता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अर्वाचीन और प्राचीन नहीं होती, वो सदा रहती हैं। गेहूं हम तब भी खाते थे और आज भी खा रही हैं। गेहूं जिंदगी की अनिवार्यता है। कोई कह दे जी गेहूं तो पुराने जमाने में खाया जाता था, अगर आज हम गेहूं खाएंगे तो रूढ़िवादी कहलाएंगे, तो कंकर वंकर खाना शुरू करो। पानी तो पुराने जमाने में पिया जाता था, आज भी पानी पिएंगे तो रूढ़िवादी कहलाएंगे, तो कोई पेट्रोलियम किरोसिन कुछ तो नया करके दिखाओ। नहीं ना, पानी तब भी अनिवार्य था, पानी आज भी अनिवार्य है।
माँ तब भी जरूरी थी, माँ आज भी जरूरी है, परिवार तब भी जरूरी था, परिवार आज भी जरूरी है, और इसलिए शांति तब भी जरूरी थी और शांति आज भी जरूरी है। शांति कभी रूढ़िवादी नहीं हो सकती, प्रेम कभी रूढ़िवादी नहीं हो सकता, और अध्यात्म हमें शांति ही तो देता है, प्रेम ही तो देता है। उसके बिना हम आधुनिक हो भी गए तो इस आधुनिकता ने हमें क्या दिया? जन्म से ही शुगर, जन्म से ही हार्ट की बीमारी, जन्म से ही बाल सफ़ेद, जन्म से ही दांत हिल रही हैं, जन्म से ही घुटनों में दर्द है। शॉर्टकट, बूढ़ा होने की ज़रूरत ही नहीं है, बचपन से सीधा बुढ़ापा, शॉर्टकट का ज़माना है ना, कौन जवानी का समय लगाए, सीधा वहीं पहुँच जाओ। इस जल्दबाजी ने आयु को भी जल्दबाजी में घेर लिया, इसलिए आध्यात्मिकता कल भी उतनी ही जरूरी थी, आज भी उतनी ही जरूरी है। सत्कर्म किसको कहते हैं? सत्कर्म वो कर्म है जो परम पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं। जैसे पाप कर्म के चार पहलू हैं, सत्कर्म के भी चार पहलू हैं। जो कर्म सोल कॉन्शियसनेस में किया जाता है, जो कर्म परमात्मा की याद में रह करके किया जाता है, जो कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होकर के किया जाता है, और जो कर्म स्वार्थ से रहित होकर के किया जाता है, ये जो चार प्रकार के कर्म हैं ये सत्कर्म हैं। ये कर्म परमात्मा सिखाते हैं और इन कर्मों का परिणाम है सतयुग, उन कर्मों का परिणाम कलयुग, और ये जो कर्म हैं इनका परिणाम सतयुग। इसलिए परमात्मा इस कलयुगी दुनिया के बीच में हमें ऐसे कर्म सिखा रही हैं जिन कर्मों के बल से हम सतयुगी दुनिया को ला सकें। पुराने पेड़ की एक कलम काट करके हम उसे रोपते हैं और नया पेड़ उगना चालू हो जाता है, पुराना बूढ़ा हो गया। इस बूढ़े कलयुगी पेड़ की ही एक कलम काट करके परमात्मा उसे रोप रही हैं, पवित्रता के साथ उससे नया सतयुगी पेड़ बनेगा और ये कलयुगी पुराना जड़जड़ी भूत पेड़ कुछ समय में वैनिश हो जाने वाला है। तो अगर हम इन सत्कर्मों को करेंगे, जीवन में लेकर के आएंगे, तो हम भी वो कलम बन जाएंगे, ईश्वरीय कलम, ईश्वर की योजना का एक हिस्सा। इन सत्कर्मों से सबसे पहले हमारा जीवन सुधरेगा और उसके बाद हमें देख करके और लोग सुधरेंगे। वर्तमान युग संगम युग चल रहा है, इसमें परमात्मा पिता हमें ये सब कर्म करने सिखा रही हैं। हम जो ज्ञान सीख रही हैं अगर उसको हम जीवन में उतारेंगे तो हम भी सत्कर्मों के धनी बन जाएंगे। और इसके अलावा एक और कर्म है जिनको हम कहते हैं पुण्य कर्म, एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब है हम किसी को कुछ देते हैं, भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं। भारत में बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, कोई भंडारे लगाते हैं, कोई प्याऊ लगाते हैं, कोई बच्चों के लिए फ्री स्कूलिंग करते हैं, कोई विधवाओं के लिए आश्रम खोलते हैं, गवों के लिए गौशाला बनाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। हम सब जानते हैं भारत धार्मिक देश है, इसमें दान पुण्य का बहुत महत्व है और वर्तमान समय भी लोग बहुत दान करते हैं, लेकिन इतना दान पुण्य होते हुए भी समाज का सुधार क्यों नहीं हो रहा? कुरुक्षेत्र में किसी ने गीता के 18 अध्यायों का 18 मंजिल का मंदिर बनाया, एक मंजिल पे 1 करोड़ लगाया, 18 करोड़ तब लगा था, हो सकता है अब तो और भी ज्यादा हो गया हो। बनारस में जाइए, इतने मंदिर हैं, सोने की पानी की कारीगरी, कितने मंदिर हैं, आखिर तो लोगों ने अपना धन लगाया है इनमें। कितनी गौशालाएं भारत में हैं, फिर भी
इतना धन लगाते हैं, पुण्य का प्रताप दिखाई क्यों नहीं देता? कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़, भूकंप, तूफान, महामारी, जहाँ इतना पुण्य कर्म होता हो वहाँ तो समाज में शांति फैले। कारण क्या है? कारण ये है कि पहले हम कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आधुनिक युग में नेकी कर पंखे पर लिख, नेकी कर पत्थर पर लिख। तो जितना हम नेकी करते हैं उससे ज्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट करा लेते हैं। अखबार में अगर आप इतने से कॉलम में एडवर्टाइजमेंट कराएंगे ना, तो वो 5,000 रुपये एक दिन के लेगा, कॉलम हथेली जितना होता है। और इतने बड़े मंदिर में फ्रंट में मेरा, मेरे पोत्र का, पुत्र का नाम लिखा है, कितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, परमानेंट। तो मैंने दान दिया, थोड़े का एडवर्टाइजमेंट करा ली, ज्यादा की तो उल्टा बोझ चढ़ गया, उतरेगा कहाँ से? कहती हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना पड़े, उसको कहते हैं दान, वो फलता है। किसी ने कहा इस दुनिया में सबसे समझदार किसान। किसान कैसे समझदार है भाई? किसान तो अनपढ़ भी होता है। किसान को तो लोग कहते हैं गंवार, घर में दो पुत्र होंगे, कहेंगे ये अच्छा पढ़ लिख रहा है, ये अफसर बने, इसकी मोटी बुद्धि है, इसे खेती में लगा दो, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन किसी ने कहा दुनिया में सबसे समझदार किसान है। क्यों समझदार है? जैसे ही वो बीज बोता है, बीज पे मिट्टी डाल देता है ताकि बोया हुआ दिखे ना। अगर वो दिख गया तो उसे चिड़िया उठा ले जाएगी। बाजरे का दाना खुला पड़ा हुआ है खेत में, गिलहरी ले जाएगी। और अगर वो खुला पड़ा है तो पानी गिरेगा, वो फूल जाएगा, सीधी धूप पड़ेगी, वो सूख जाएगा। इसलिए वो इतना समझदार है कि बोया गया बीज दिखना नहीं चाहिए, साथ साथ मिट्टी गिरती जाती है और फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो फलता है, उसके बाद वो कई गुना बाजरा या गेहूँ जो भी है वो देता है। तो मैंने भी एक अच्छे कर्म का बीज बोया और उसको खुला छोड़ दिया, चिड़िया खा गई, फल निकला ही नहीं। और मैं कहता हूँ बहन जी मैंने ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म किए, मैं आपको क्या बताऊँ। उस बच्चे की फीस दी, वो गरीब था, उसको साइकिल दिलवाई, उसको हॉस्पिटल में फल बांट के आया, वृद्धाश्रम में पैसे दिए, पर मेरी मुसीबतों का कोई अंत नहीं। कहीं बीज खुला तो नहीं छोड़ दिया, चिड़िया ले उड़ी, उगाई नहीं, फल कहाँ से निकले? तो वही कर्म पुण्य कर्म बनता है करने के बाद चर्चा ना हो। चर्चा हो गई 25% गया, बदले में मान इज्जत मिल गई 50% चला गया, उसके बदले में कोई लाइसेंस मिल गया पेट्रोल पंप का, किसी खदान का, भाई ये तो बड़ा दानी है इसको दे दो, तो पूरा ही चला गया, किया थोड़ा ले लिया ज़्यादा। द्वापर के शुरू में लोग पुण्य कर्म करते थे छिपा करके, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोज होने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई, अब तो इतनी बढ़ गई कि हम करते हैं सो का और बताते हैं, उतना बताने में मजा ही नहीं आता, और जब तक ना बताएं नींद नहीं आती, नींद उचट जाती है, किसी को बताया ही नहीं। इसलिए इतना करते हुए भी हम अंदर से खाली। आपको बताएं परम पिता परमात्मा शिव, हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे जो करो वो गुप्त करो। तो आप में से जो भाई बहन माउंट आबू गए होंगे, वहाँ हमारा 100 एकड़ का एक कैंपस है, 30 एकड़ का एक दूसरा कैंपस है,
25 एकड़ का एक और कैंपस है, 15 एकड़ का एक बगीचा है, 8 एकड़ का एक हॉस्पिटल है और लगभग 80 एकड़ का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। ऐसे करके बहुत सारे स्थान, लेकिन वह किसी का भी नाम नहीं, सब बेनामी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी है तो कहीं से तो आई होगी ना, लेकिन जिसने भी कुछ भी किया उसने नाम की इच्छा नहीं रखी, उसने पुण्य की, दुआओं की इच्छा रखी, तो वो दुआओं से तो अमीर बन गया। और असली दौलत तो दुआएं होती है जो हमारे साथ जाती है, नाम तो यहीं रह जाता है। और एक चौथे प्रकार के कर्म है जिन्हें हम कहते हैं अकर्म, वो कर्म होते हैं सतयुग में। सतयुग के देवताओं के जो कर्म हैं वो अकर्म है। अकर्म का मतलब है कि आप कुछ भी करेंगे तो उसका ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा। पाप तब बनता है जब देह अभिमान में करें, और पुण्य तब बनता है जब हम किसी दूसरे के लिए करें और दूसरा उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन सतयुगी समाज ऐसा है कि वहाँ सब भरपूर है, तो कौन किसके लिए करे, लेने वाला कोई है ही नहीं, तो डोनर वहाँ कौन बने। और जो भी वहाँ रोज की दिनचर्या के कर्म हैं उन कर्मों में आत्म भाव है, इसलिए कोई पाप कर्म नहीं होता है। तो वहाँ के कर्म अकर्म हैं, सतयुग के कर्म अकर्म हैं। सतयुग त्रेता के, द्वापर के एक्ट ऑफ चैरिटी हैं, द्वापर कलयुग के कुछ, और पाप कर्म भी हैं, और संगम युग के जो कर्म हैं वो सत्कर्म है जो परमात्मा द्वारा सिखाए गए हैं। तो यहाँ हम सत्कर्म सीखने आए हैं, और आज अगर अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लें कि हम सत्कर्म जरूर करेंगे तो परमात्मा को आप जैसी कितनी भुजाएं मिल जाएंगी और उनका काम कितना सरल हो जाएगा, उसकी रूहानी सेना में आप भी शामिल हो जाएंगे। कहते हैं ना भगवान की हजारों भुजाएं, तो उन भुजाओं में आपकी भी गिनती हो जाएगी। चाहते हैं भगवान की भुजाओं में हमारी गिनती हो, हम भी भगवान की भुजाएं बने। तो आज हमें ये पक्का निश्चय करना है कि हम सत्कर्म करेंगे, आत्म स्थिति में कर्म करेंगे, विकारों से रहित होके कर्म करेंगे और निस्वार्थ कर्म करेंगे।